पहले मैं आप लोगों को यही गुजारिश करूंगा, या तो आप लोग मेरा ये रिक्वेस्ट समझ लीजिए, मेरा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। शेयर इसलिए करना ताकि मुझे कोई हेल्प या तो इंसाफ मिल सके। तो मेरे पास है IDFC फास्ट बैंक की फास्टैग। 4 अक्टूबर 2021 को मैं पुणे जा रहा था, जैसे ही रास्ते में मुझे खलापुर टोल प्लाजा पहुँचा तो मेरा फास्टैग से इनसफिशियंट बैलेंस बता रहा था। तो मैं टोल वाले को बोला मेरे इसमें 500 रुपये बैलेंस है, आप अच्छे से चेक कीजिए। उसने दोबारा चेक किया और बोला नहीं, बैलेंस नहीं है। तो मैं वहाँ पे कैश पेमेंट किया और टोल को क्रॉस किया। जैसे ही मैं, मेरे कार पे पैसेंजर थे तो उन लोगों को मैंने पुणे ड्रॉप किया, और ड्रॉप करने के बाद मेरी जो फास्टैग की आईडी है उसको मैंने लॉगिन किया और इस फास्टैग की स्टेटमेंट मैंने निकाला। निकलने के बाद वहाँ पर देखा 1173 रुपये करके 2 बार मेरा अकाउंट से डेबिट हुआ, सेम टाइम सेम डेट पे। तो उसके बाद उसमें नाम आया था कि खलापुर टोल प्लाजा एडजस्टमेंट अमाउंट। तो मैं जैसे पुणे से रिटर्न आ रहा था, फिर से खलापुर टोल प्लाजा पहुंचने के बाद वहाँ के जो मैनेजर है, मैं उनसे बात किया कि उनको बोला कि मेरा इसमें से क्यों पैसा डेबिट हुआ, आपका ही टोल का नाम आया है। तो उसने बोला ये हमारे यहाँ से पैसा डेबिट नहीं होता है, आप एक काम कीजिए, आप अपनी बैंक से संपर्क कीजिए। तो इसमें कस्टमर केयर के नंबर है, तो इस नंबर पे मैंने कॉल किया और उन लोगों से बात किया। वो बोला आप टेंशन मत लीजिए, आपकी पैसा रिफंड जो हो जाएगा। तो मेरे को बताया कि आप ये ईमेल पे आपकी कार की आगे पीछे की फ़ोटो और RC बुक ये सब मेल डालिए, और कितना अमाउंट आपका डेबिट हुआ है ये सब लिख के आप मेल डालिए। तो मैं उसके हिसाब से मैंने मेल किया। मेल करने के 1 से 1.5 महीना के बाद मेरे अकाउंट में 1173 रुपया रिटर्न आ चुका था। लेकिन मेरा जो दूसरा अमाउंट है, मेरा अकाउंट से 2 बार डेबिट हुआ था, तो दूसरा अमाउंट आज लगभग 4 महीना हो चुका है, मेरा दूसरा अमाउंट आया नहीं है। मैं काफ़ी टाइम कस्टमर केयर पे नंबर पे कॉल किया, काफ़ी टाइम मैंने बात किया, लेकिन मेरी पैसा जो है अभी तक नहीं मिला। उन लोगों को बात करता हूँ तो बोलते हैं तुम्हारा ये प्रोसेस में है, और 1 महीना लगेगा, आ जाएगा आज, कल आ जाएगा, परसों। कितना मैंने कॉल किया, कितना मेरी टाइम वेस्ट करके फ़ोन लगा के बात किया। एक तो तुम फ़ोन लगाओ के तो 10-15 मिनट के बाद कॉल उठाते और नहीं तो तुम्हारा टाइम बेकार में वेस्ट हो रहा है। तो 4 महीना वेट करने के बाद मैंने इसको, मेरा ये यहाँ पे कांच पे लगा हुआ था, तो मैंने इसको यहाँ से उखाड़ दिया। अभी मैंने दूसरा कंपनी का पेटीएम की फास्टैग लगाया है। तो आप लोगों को मैं यही गुजारिश करूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये जो मेरे साथ हुआ है, ये अकेला मेरे साथ नहीं हुआ हो रहा है, ये काफ़ी लोगों के साथ ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। तो मेरी जो ज़्यादा अमाउंट था इसके लिए मुझे मालूम पड़ा, और आप ये समझ सकते हो, अगर 40 रुपया 50 रुपया आपका अकाउंट से या तो 100 रुपया आपका अकाउंट से डेबिट हो रहा है तो आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। मेरे को अकाउंट से 1173 रुपया करके 2 बार मेरे अकाउंट से डेबिट हुआ था, लेकिन आज 4.5 महीना हो चुका है, मेरी जो 1173 रुपये रिटर्न आया और दूसरा अमाउंट अभी तक रिटर्न नहीं आया। गाड़ी नंबर बता सकते? जी जी, गाड़ी नंबर है MH 47 ठीक है, लाइन वर रहा, मैं चेक करते। हेलो जी, बताइए। डेट बताइए ना सर, कौन से डेट में हुआ था? अरे मैडम, 4/10/2021 4/10/2021 1153 रुपये। हाँ, उसमें 2 बार, आप देखिए उसमें 2 बार कटा है। हाँ, खलापुर टोल प्लाजा से, ठीक है, उसमें से एक अमाउंट रिटर्न हुआ, दूसरा अमाउंट रिटर्न नहीं हुआ, 4.5 महीना हो चुका है। देखिए सर, यहाँ पे मैं बताती हूँ, 4/10/2021 को बराबर 7:49 मतलब 49 मिनट ला एक अमाउंट कट झाली आहे 1173 ची। हा, राईट राईट, मग 10 मिनिटाच्या आत 7:59 म्हणजे 8:00 तेवढीच अमाऊंट डिडक्ट झाली। तर सर, मला दोन्ही मधलं कधी तुम्ही ट्रॅव्हलिंग केलेली? मी 9 तारीख ट्रॅव्हलिंग केलेला होता पुण्याला, पुण्यासाठी 9 तारीखला। हा, म्हणजे तुम्ही 10व्या महिन्यात 4 तारीखला कुठेच गेला नव्हता का? दोन्ही तारखेला, 1 तारखेला, 4 तारखेला? नाही नाही, ठीक आहे। मग एक अमाऊंट डिडक्ट झाली, कुठली अमाऊंट डिडक्ट झाली?
वरची की खालची? वरती अमाउंट क्रेडिट क्रेडिट झाली वरची अमाउंट क्रेडिट झाली पण खालची नाही झाली. नाही झाली. जी 10 मिनिटांनंतर परत रिफ्लेक्ट झाली ती अमाऊंट नाही डिडक्ट झाली तुम्हाला. हा मग त्यावेळेस तुम्ही कंप्लेंट केली असेल तर तुम्हाला कंप्लेंट नंबर किंवा काय भेटलाय का? हा भेटला ना, भेटला ना, मी सांगतो तुम्हाला. हा सांगा, 1 मिनिट सांगा, कंप्लेंट नंबर सांगा. IDFC नोट करा मैडम. हेलो, बोला. हाँ, IDFC IDFC SP SP जी, SP 32364 थ्री टू 364 64. ठीक है, 1 मिनट मी चेक करते. SP 32364 लाइन वर राहा सर, मी चेक करते. ओके, लाइन पे है क्या? हाँ सर, लाइन पे बने रहिए, मैं बताती हूँ आपको. जी मैडम, काफी टाइम लग रहा है. हाँ सर, सर मैंने चेक कर लिया आपके यहाँ, हमारे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको अमाउंट आ चुका है, लेकिन आप बोल रहे हो कि एक ही अमाउंट है. तो आपका जो टिकट नंबर है ना सर, और जी सर आपने जो टिकट नंबर बताया ना वो 64 है ना, उसका अमाउंट आपको आ चुका है. मैडम, उसमें दो टिकट नंबर आया है, तो सेम नंबर का दो 65. नंबर है. हाँ 65 का है ना, वो अमाउंट नहीं आया ना. तो आपको जी सर एक मेल करना पड़ेगा, 65A मेरा नंबर है टिकट नंबर, इसका अमाउंट मुझे अभी तक डिडक्ट नहीं हुआ है. और जो आपका अमाउंट आया है ना उसका आपके पास मैसेज रहेगा कि आपका अकाउंट में आ चुका है कुछ, जो तो आया वो उसका मुझे मालूम, स्क्रीनशॉट. वो मेरा अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, क्योंकि हाँ, तो उसमें क्रेडिट हुआ है तो उसका उसका मैसेज स्क्रीनशॉट निकाल के हमें मैसेज कर दीजिए सर, मेल करना पड़ेगा आपको, चलेगा? तो मैं किसमें मेल, वो जो टोल सर्विस है, ये टोल सर्विस. ई टोल सर्विसेस @IDFCFirstBank है ना, उस पर ही मेल कर दीजिए सर. उस पर जैसे मेल करेंगे हमारी तरफ से आपको रिप्लाई आ जाएगा और आपके अमाउंट भी आ जाएगी सर. जी मैडम, मैं अमाउंट तो आपने कुछ क्या नहीं टाइप है. करके मेल डालू इस पे, जो दूसरा टोकन नंबर हो और स्क्रीनशॉट जी, एक अमाउंट मेरा आया, एक अमाउंट नहीं आया. जो अमाउंट आया है ना उसका स्क्रीनशॉट भेजिए हमें, जो अमाउंट नहीं आया है उसका टिकट नंबर भेजिए, और बोलिए वहाँ पे लिखिए कि इस अमाउंट का मेरा अभी तक, इस टिकट नंबर का मेरा अभी तक अमाउंट आया नहीं है. ठीक ठीक है, ठीक है, तो है मैं, सर, हाँ जी ठीक है मैडम, थैंक यू. ठीक है सर, आपका कीमती समय देने के धन्यवाद लेकिन सर. मैंने उसके पहले भी मैडम कांटेक्ट हुआ था, वो बता रहा था कि प्रोसेस में आपको वो भी अमाउंट आ जाएगा ऐसे बताया था. हाँ सर, आ रात प्रोसेस में है, मैं वो नहीं बात कर रही हूँ सर. हमारे यहाँ से चेकिंग चेक करके आपको मेल पे रिवर्ड हो जाएगा वो, कि जी, क्यों ठीक नहीं आया अभी तक, क्यों क्या. है ठीक है मैडम. सर, ओके. आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद सर, आपका दिन शुभ. फिर से आज कस्टमर केयर पे कॉल लगाया और आज भी मैंने बात किया हूँ, तो मेरे को बोलता है अभी भी तुम फिर मेल डालो कि तुम्हारा दूसरा अमाउंट आया नहीं. तो 4.5 महीने से मेरा पैसा नहीं आ रहा, 4.5 महीने से मैं परेशान होकर इनको पास कॉल कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, लेकिन आज भी मेरे को बताया जा रहा है कि तुम फिर से मेल करो, तुम्हारा वो पैसा मिल जाएगा. मैंने ऑलरेडी वो फाड़ दिया हूँ, ऑलरेडी मैं इसका यहाँ से उखाड़ दिया हूँ, पता नहीं अभी वो काम करेगा या नहीं, तो आप लोग ये समझ सकते हो.